केमिस्ट के ग्राहकों के लिए खुशखबर, मिल सकता है पैसा। कैसे? जानने से पहले आपके लिए मेरा निवेदन है, ताज़ा खबरों पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। अवैध रूप से धन इकट्ठा करने के लिए 21 जून 2013 को सेल केमिस्ट इन्फ्रारियलिटी लिमिटेड को निर्देश दिया, निवेशकों द्वारा जमा किए गए धन को ब्याज के साथ वापस करना होगा, जिसकी राशि है 1,916,43,43,857 रुपए। कंपनी ने इस आदेश की अनदेखी की। कंपनी के खिलाफ सेबी ने 24 मार्च 2017 को एक सकुला जारी करके अल्केमिस्ट इन्फ्रारियलिटी लिमिटेड पैन नंबर AGCA 9717P और कंपनी के निदेशक मिस्टर ब्रजमोहन महाजन पैन नंबर PM1136F और मिस्टर नारायण महादेव कुमार पैन नंबर AYZP9827A उन सभी को बैंक खाते के लॉकर और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सब कुछ जब्त कर लिया। 13 दिसंबर 2018 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी करके कुछ बैंकों के कुल 30 बैंक खाते मुक्त किया है। ये बैंक हैं पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति जमाला बागची के नेतृत्व में एक स्पेशल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया था, विभिन्न बैंकों में जमा पैसा SP तालुकदार कमेटी के खाते में जमा किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय की विशेष डिवीजन बेंच पर इस बारे में बहुत जल्दी चर्चा शुरू होने वाली है। अगर यह पैसा SP तालुकदार कमेटी के खाते में जमा होता है तो अल्केमिस्ट के ग्राहकों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है।